So hello guys, and what's up, and welcome back to my channel once again guys. तो भाई आज हम वापस आ चुके हैं एक और नया गेम रिव्यू का एपिसोड को लेके भाई. और आज का एपिसोड थोड़ा खास होने जा रहा है क्योंकि हमारे पास जो गेम है वो GTA 5 का गांव वाला एडिशन है गाइस. तो इस वाला गेम के अंदर क्या क्या है अभी हम निकालने वाले हैं. तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइस रेड डेड रिडेम्पशन का प्राइस और स्पेक्स जो करेंटली सबसे चीप मिल रहा है वो अभी आप लोगों का स्क्रीन पर है गाइस. तो गाइस जैसे कि आपको पता है हर एक रॉकस्टार टाइटल के साथ एक ऑनलाइन और एक स्टोरी मोड आता है, वैसे ही रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी इस काउंटिंग से बाहर नहीं है. इसका भी एक स्टोरी और एक ऑनलाइन मोड आता है भाई. तो जल्दी से आइए हम चेकआउट कर लेते हैं. ये हमारा स्टोरी मोड है भाई. इसमें आपको एक ही स्टोरी देखने को मिलता है, काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा विथ वेरी गुड ग्राफिक्स. मैं यहाँ पे बार बार एक ही बात मेंशन कर रहा हूँ विद वेरी गुड ग्राफिक्स, बट इस गेम को चलाने के लिए आपको काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड, रैम और पीसी कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए होगा. यानी कि आपको अगर इस गेम को हाई सेटिंग्स में चलाना है तो भाई RTX 2080 Ti जैसे ग्राफिक्स कार्ड का भी ज़रूरत पड़ सकता है गाइस. अब बात करते हैं ऑनलाइन मोड में हमारे पास क्या क्या है. तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है फ्री रोम, मॉनशाइनर, फिर बॉन्टी हंटर, फिर कलेक्टर और एक होता है हमारा ट्रेडर, कैंप और पोजअप. बट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है भाई, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास एक स्टोर होता है जो कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टोर है और एक करेंसी का स्टोर है, दो अलग अलग है. आप अगर जो प्रीमियम एडिशन है वो खरीदते हो तो आपको ये सारे चीज साथ ही में देखने को मिल जाएगा भाई. और इसके अलावा बात किया जाए कि गेम का क्वालिटी और प्राइसेस के हिसाब से क्या ये वर्थ इट है, तो मैं बोलूंगा ये जरूर वर्थ इट है भाई, अगर आपके पास एक वर्थ इट पीसी है तो. तो भाई आओ, वैसे तो स्टोरी मोड दिखाना भी पॉसिबल है नहीं, बट जरूर से हम तुमको ऑनलाइन मोड दिखाएंगे और उसके बाद ये सारा रेटिंग को समराइज करेंगे. तो चलो गाइस आओ अंदर चलते हैं गेम के. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम आ चुके हैं एक गेम की अंदर. और रुको, अभी हम अपना घोड़े को बुलाएंगे और फिर आपको थोड़ा सवारी करके दिखाएंगे आसपास का. आ जा मेरे घोड़े. और यहाँ पे आपको बता दें कि आप अपना घोड़े को बुला भी सकते हो ऐसे करके और एकदम से मस्त वाला आप सवारी भी ले सकते हो घोड़े की भाई. इसके बाद अगर बात किया जाए रोड डिटेलिंग तो काफ़ी अच्छा है. आप देख सकते हो पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है. ये एक आपको रूरल सीन दिखाई जा रही है, तो आप समझ जाओ भाई रूरल एरियाज में कैसे होते हैं भाई काम. तो उस हिसाब से मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छा है. और हमको अपना एनिमी भी मिल चुकी है. ये देखो हमने किसी का कत्ल कर दिया है यहाँ पर मस्त वाला एकदम से भाई. देखा तो भाई एनिमेशन, गन साउंड सब कुछ काफ़ी अच्छा है. तो आप लोग एकदम पबजी वाला फीलिंग ले सकते हो. GTA 5 में कभी कभार क्या होता है ना कि आपका गेम कनेक्ट नहीं हो पाता, बट ये रेड डेड रिडेम्पशन के साथ सीन नहीं है. कनेक्शंस वगैरह बहुत अच्छा होता है यहाँ पे. और आप देख ही सकते हो बंदे को गिरा दिया और ऐसे आप गिराते जाओ, अपना मकान बनाते जाओ और काम करते जाओ. बाकी ग्राफिक्स का बात किया जाए, ग्राफिक्स बहुत तगड़ा है भाई. वाटर इफेक्ट्स, सन इफेक्ट्स, रॉक इफेक्ट्स, तीनों के तीनों बहुत अच्छा है. लाइटिंग का बात किया जाए, डे लाइट, नाइट लाइट आपको
एकदम से रियलिस्टिक वाला लगने वाला है, और अगर आप हाईएस्ट ग्राफिक्स पे खेलते हो तो इससे भी बढ़िया लगने वाला है भाई आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से ग्राफिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, गन साउंड बहुत अच्छा है इस गेम का। ड्रॉबैक बोल सकते हो कि इस गेम को चलाने के लिए काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर का ज़रूरत पड़ता है, रैम भी काफ़ी हाई चाहिए होता है। और इसके अलावा बात किया जाए गेम के कॉस्ट के बारे में, गेम की कॉस्ट अभी तो 40% ऑफ तक मिल सकता है आपको अल्टीमेट एडिशन पे, जो कि आपको 3000 तक मिल जाएगा भाई। तो और प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो प्रॉपर्टीज़ आप देख ही रहे हो, ये आपका रेल लाइन है जो कि आपको रेलवे ट्रैक देखने को मिलता है, तो रेलवे ट्रैक से भी आप जा सकते हो, आना जाना कर सकते हो। तो भाई मेरे हिसाब से ये गेम वर्थ दी टेबल। तो आ जाओ गाइस अभी हम अपना जो प्रॉपर सराउंडिंग्स का रेटिंग्स है उस पे आ जाते हैं भाई। तो रेटिंग्स के बात किया जाए तो ग्राफिक्स के बारे में मैं इसको 9 दूंगा आउट ऑफ 10। अगर लाइटिंग का बात किया जाए तो मैं इसको दूंगा 9.1 आउट ऑफ 10। इसके अलावा अगर आप बात करते हो गेम प्ले की तो गेम प्ले की इसको 9.3 दिया जा सकता है। कॉस्ट एंड वर्थ, इसका मतलब है जो वर्थ है कॉस्ट के हिसाब से, उस पर मैं इस गेम को 9.7 आउट ऑफ 10 दे दूंगा। अब जो सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पे तो भाई मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, इस पे कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा बात किया जाए हमारा डेथ सीन्स के बारे में तो भाई डेथ सीन्स इसका कातिल आना है, तो इस डेथ सीन्स के पे मैं इसको आराम से 9.8 रेटिंग दे सकता हूँ। तो इसके अलावा बात किया जाए कि ओवरऑल रेटिंग ऑफ द गेम, तो ओवरऑल रेटिंग पे मैं इस गेम को 8.7 दूंगा आउट ऑफ 10। तो भाई आप लोगों का जो कमेंट्स है या राय है वो ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। हम ज़रूर आएंगे अगला वीडियो में एक चीप गेम लेके जो कि आपको कोई भी सिस्टम पे खेलने को मिल जाएगा गाइस। तो भाई आज का वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही धमाकेदार वीडियो में। टिल देन गुड बाई।